किस तरह से जो मशरूम की खेती है वो युवाओं के लिए एक हम बोल सकते हैं कि जो रोजगार का जरिया बन सकती है। देखिए दीपका, ये लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने का मशरूम जो है, सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन होता है वो हमारा चाइना करता है लाइवलीहुड में। जी अगर अगर आपका स्क्रीन शेयर काम कर रहा है तो हम शेयर करेंगे कि हमारा विश्व में किस तरह का मार्केट का डिमांड्स है, चाइना कितना प्रोडक्शन कर रहा है। जो हमारे युवा वर्ग हैं आज उनको फिजिकल एक्टिविटी के अभाव में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। अगर साप्ताहिक अगर 2 घंटे भी अगर वो काम कर लें, अगर 10 बैग भी बना के रख लें, तो समझिए एक घर में अगर आप 10 किलो भी मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं तो आप समझिए कि अगर आपका 5 फैमिली भी है, अगर 10 kg मशरूम अभी अभी जो है सो इतना प्रोडक्शन हम लोग बिहार को नंबर 1 में लाए हैं और पूरे इंडिया का कंजम्पशन देखेंगे तो 50 ग्राम्स भी नहीं हो पाता है। जबकि आदमी को कम से कम साल में 5 kg, हम आपका डेटा के साथ में बात करेंगे। क्या अभी हम अपना क्या आप अपने यहाँ हम स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि आप किसानों को या जो हमारे यस सर, व्यूवर्स, प्लीज 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 प्लीज। हमने एक 4-5 पन्ने का स्लाइड बनाया है कि जी मशरूम सर, उत्पादन और रोजगार की संभावनाएं। आपने युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में पूछा है, तो इसीलिए जी इसका हम पृष्ठभूमि देना चाह रहे हैं आपको। जी जैसे मशरूम का परिचय, लगभग 1000 वर्ष पूर्व सबसे पहले चीन ने इसकी खेती शुरू की थी। मशरूम की वास्तविक व्यावसायिक खेती 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में शुरू हुई। अभी 100 से अधिक देशों में मशरूम की खेती हो रही है और 7 से 8% की दर से इसके उत्पादन में वृद्धि दर्ज की जा रही है। जी चीन चीन विश्व के मशरूम उत्पादन का 70% उत्पादन कर रहा है, लगभग 350 लाख टन प्रति वर्ष। भारत में लगभग 2 लाख प्रति वर्ष मशरूम का उत्पादन हो रहा है। तो दीपिका ये देख रहे हैं कितनी बड़ी खाई है, जी पूरे पूरे विश्व का 70% चाइना इसका प्रोडक्शन कर रहा है और भारत में कहाँ 3,50,000 मीट्रिक टन और भारत में 2 लाख मीट्रिक टन। इसी जी तरह से अमेरिका में इसका 70% है, जर्मनी में 17, इंग्लैंड में 11, इटली में 10, चाइना में 14 और भारत में खपत अभी नहीं के बराबर है। इतना प्रतिशत लोग खपत विभिन्न देशों में मशरूम का खपत, चाइना प्रति वर्ष 2016 का ये डेटा है 14 किलो कंजम्पशन कर रहा है और हमारे यहाँ लोग 50 ग्राम अगर डेटा निकालेंगे तो 50 ग्राम भी नहीं निकल पाएगा। ओके मतलब इसका जो रीजन है वो क्या है कि जो उपभोक्ता है उनमें इसको लेकर जो इंफॉर्मेशन का अभाव हाँ, है। अवेयरनेस नहीं है। सबसे पहले बात है मशरूम का जो बाई प्रोडक्ट्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो गई है। मेरा विचार है कि सब लोग इतना उत्पादन करें कि इसका कॉस्ट जो है, जितना आप बैंगन जो 50 रुपये 60 रुपये खरीद रहे हैं, अगर पचास जी रुपये 60 रुपये अगर हर वेजिटेबल शॉप पर मशरूम मिलने लगे तो कंजम्पशन इजीली बढ़ जाएगा। अभी जो हमने 200 रुपये का जो डेटा दिया उसके कारण कंजम्पशन बहुत कम है। लोग चिकन खाना ज़्यादा बेटर समझते हैं, रेदर देन वनस्पति मशरूम। मशरूम खाना। जी, तो इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा देश में जो मशरूम प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन उत्पाद जी मशरूम के प्रोडक्शन में जो है ज्यादा से ज्यादा उसको जोर दिया जाए। जरूर। जी तो इस तरह से मशरूम का ये तीनों वैरायटीज हैं, जो ये बटन जी मशरूम है जो पहला देख रहे हैं, दूसरा को आस्टर, इसको ढिंगली मशरूम बोलते हैं, ये प्लूटोटस कम कैटेगरी का आता है। उसी तरह से दुधिया मशरूम जो हमारे यहाँ भी फ्रूटिंग हो रही है हाई ओके टेम्परेचर में। जी इसी तरह से ये कितना तापमान चाहिए बटन मशरूम के लिए, फलन का तापमान कितना चाहिए, ये सारा इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि 14 से 18 डिग्री चाहिए फलन के लिए। इसमें ह्यूमिडिटी 80 से 85% चाहिए। इसी तरह से आस्टर मशरूम के लिए 18 से 32 डिग्री तक आप आराम से कर सकते हैं। आस्टर मशरूम में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, जो सेपरेट ओके वीडियो आप बनाएंगे उसमें हम आस्टर की जो लगभग 8-9 प्रजातियां उपलब्ध हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे। जी सर श्योर।
उस तरह से दुधिया मशरूम के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए और उसका फ्रूटिंग का टेम्परेचर कितना चाहिए और ह्यूमिडिटी 70 से 80 चाहिए और उपज कितना होगा ये सारा। उसी तरह से शीताके मशरूम है, ये मेनली जापान में, अभी तो जापान में सारे लोग कोई मशरूम खाते ही नहीं थे, केवल शीताके मशरूम ही चलता था। ये जो है शीताके मशरूम की खेती जो है मुख्यतः आपको जो लकड़ी का अवशेष होता है उस पर किया जाता है और ये अच्छा। बहुत ही अच्छा है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मेडिसिनल मशरूम के कैटेगरी में आता है। इसका भी आप खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जाइएगा तो बहुत सारे जो है 100 मिल्स हैं, वहाँ से अच्छे क्वालिटी का आप जो है डस्ट ले करके ये शीताके मशरूम कर सकते हैं। और रही बात यहाँ टेम्परेचर की, तो इंडिया में 22 से 27 डिग्री तक टेम्परेचर लगभग 7 से 8 महीना पाया जाता है। उसी तरह से अगर उसका फ्रूटिंग के टाइम में उसका 15 से 20 डिग्री चाहिए। इस तरह से पराली मशरूम भी है, इसकी खेती होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसका स्पोन इजिली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, बहुत ही कम मात्रा में यूज होता है। अच्छा, इसी तरह से जो जो व्यवसाय है आस्टर और दुधिया का, यहाँ पर देखिए हमने बैग बना करके दिखाया है किस तरह से बनाएंगे, उसी तरह से बटन मशरूम का कंपोस्ट बनाने के बाद किस तरह से बैग बनेगा। और जो अभी जो लेटेस्ट जो अभी रिसर्च हुए हैं, ये स्पेंसर्स मशरूम इसको बोलते हैं, सब स्पेंसर मशरूम उत्पादन में जो बचा हुआ है जो चूना का अवशेष जो कारखाने में यूज होता है उस पर भी अभी हम लोग मशरूम पर काम कर रहे हैं। इस पर हम सेपरेट आपको डिस्कशन करेंगे, इसमें जो मटेरियल है वो सेपियंट मशरूम को बोलते हैं। इस तरह से इस तरह का मशरूम का स्पॉन होता है, ये मशरूम का बाई प्रोडक्ट आप बना सकते हैं पाउडर, जो इजिली जो फ्रेश जहां पर अवेलेबल नहीं है इसका आप यूज कर सकते हैं। इसका बिस्किट्स बना सकते हैं, इसका अचार भी हम लोग बना रहे हैं और यहाँ पटना के खादी ग्रामोद्योग में इजिली इसका अचार अवेलेबल है। ओके जी 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 सर, यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मर्स के क्वेश्चंस आए थे, तो वो क्वेश्चंस में लेना चाहूंगी आपसे, उनका जवाब से देखना चाहूंगी। जो भी हमारे व्यूवर्स इस शो को देख रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा था कि अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप हमें भेज सकते हैं, तो कुछ सवाल हमारे पास आए हैं। एक है अभिजीत जी, वो पूछ रहे हैं कि जो बटन जो मशरूम होता है उसकी अगर वो करनी है, खेती करनी है, तो वो कम लागत में इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं? देखिए बटन मशरूम की खेती के लिए आपको जाड़े का समय लिया गया है, अक्टूबर से फरवरी तक में आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन कंपोस्ट आप 28 दिन का जो लॉन्ग विधि होता है उसके द्वारा किसान आसानी से बना सकते हैं। और उसको बनाने के लिए 300 kg उनको भूसा लेना पड़ेगा, इसी तरह से उनको 50 kg लगभग आपको जो है सो चोकर लेना पड़ेगा, यूरिया 3.5 किलो लेना पड़ेगा, जिप्सम 40 किलो लेना पड़ेगा, जिप्सम कृषि कार्य के लिए यूज होता है जी। उसी तरह से आपको जो मुर्गी बीट होते हैं जिसको चिकन मैन्योर बोलते हैं, हमारे यहाँ लोग लाही भी बोलते हैं, 1.25 क्विंटल लेंगे और ये सारे को मिक्स करेंगे, लगभग पहले दिन जो भूसे को खिलाते हैं उसको 0 डे बोलते हैं, उसके 48 घंटे के बाद में उसमें चोकर यूरिया DAP मिलाएंगे और मिलाने के बाद में उसको 5 फीट का ढेर लगाएंगे। जब दूसरी पलटाई होगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हर तीसरे दिन उसका पलटाई होता है। इस तरह से हमारा कंपोस्ट 28 दिन में तैयार हो जाता है। कंपोस्ट तैयार होने के 5वें या 6वें या 7वें पलटाई में उसका ट्रीटमेंट करते हैं 72 घंटे के लिए, जो भी उसमें जो कीड़ा लग जाता है या बैक्टीरिया फंगस रहे उसको 6% फॉर्मेलडिहाइड और डाइक्लोराभास हो गया, उसमें M45 हो गए और ये फोराडिन हो गए, ये रेड लेवल दवा का यूज करके और उसको हम जो है अमोनिया जितने भी गैस रहते हैं उसको निकाल देते हैं और उसका हम लोग एक pH टेस्ट होता है, हम किसानों को दिखाना चाहेंगे जो 20-25 रुपए में मार्केट में अवेलेबल रहता है। एक मिनट में दिखाता हूँ जी जी जी, ये कहीं भी कृषि के दुकान पर इजली मिल जाएगा, इसमें एक माप बना हुआ है
जी एक दो अम्लीय क्षारीय, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, पीएच मीटर इसको बोलते हैं। भूसे का एक सैंपल लेंगे और लेने के बाद में एक पेपर को इसमें तोड़ करके डालेंगे और जिस तरह का इसका कलर चेंज होगा इस कलर को यहाँ से मिला लेंगे। अगर 7.5 अगर पीएच मान आ रहा है कंपोस्ट का, अमोनिया गैस सारा निकलने के बाद में, तो वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का खाद माना जाता है। अच्छा अच्छा, और सर इसका प्राइस कितना रहता है? लगभग 15-20 रुपए। पेपर है, साधारण पेपर जो अच्छा, आप जो, जी जी जी, जो फ्लैप फाइल में लगाते हैं, हाँ, उसी तरह हाँ, बस इसमें ये दर्शाया गया है कि अगर एक है तो क्या है, 5 है तो क्या है, 7 है तो क्या है, बस किसानों को कलर देख करके इसको मैच कर लेना है, नथिंग एल्स, वेरी सिंपल। ओके ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर ने दी आपको। जो जो बटन मशरूम का हम लोग कंपोस्ट बनाने का नई जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम सब विस्तार सारे का डिटेल करेंगे। हम अभी ओवरव्यू दे रहे हैं किसानों को। जी 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 सर। सर एक और है नरेंद्र कुमार, उनका सवाल है कि जो मशरूम का जो बाजार है वो है कितना, वो कितने प्रकार का है और वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकता है? हम स्पेशली कहना चाहेंगे कि आज जो है सो जब धीरू भाई अंबानी और के लड़के मुकेश अंबानी ने जियो का शुरुआत किया, उस समय हम लोग दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो किसी ने नहीं जाना था कि मोबाइल का जो आज चाट वाला, फली वाला, इवन कि जो भंगी वाले जो आपके कचरा लेकर के जाते हैं, दे आर टॉकिंग कि आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। और जब हम लोग पढ़ रहे थे, आई एम टॉकिंग 1998, उस समय मोबाइल रखना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमने मनोज जी जो डेटा आपको दिखाया है कि चाइना कितना प्रोडक्शन कर रहा है, अमेरिका में 30% लोग कंजम्पशन कर रहे हैं 30 kg, हमारे इंडिया में लोग 50 ग्राम भी नहीं कर रहे हैं यूज, तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मार्केट हिडन है, छुपा हुआ है। जी सर जी। एंसर दीपिका, कुछ कहना चाहेंगे? कितना बड़ा बिग मार्केट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि लोग प्रोडक्शन बाई मास हो, प्रोडक्शन बाई मास अगर करेंगे तो हम लोग मार्केट को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेंगे। और सबसे पहले बात है कि अपना अपने आप स्वस्थ है, आपका परिवार स्वस्थ है, आप इसको इजीली घर के किसी कोने में आप इसकी खेती कर सकते हैं। जी, बस घर के। जी सर, एक और व्यूवर है, उनका सवाल है, मयूर नाम है उनका, कि उन्हें मशरूम की खेती करनी है, तो उनका जो इलाका है वो गर्म क्षेत्र है, तो वहाँ का अगर उनको मशरूम की खेती करनी है तो जो वहाँ का जो सेटअप है वो कैसा होना चाहिए? मयूर जी, अभी जो मैं मिल्की की खेती कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर आपका 35-37-40 तक है तो आप कंटिन्यूस आप वहाँ पर मिल्की मशरूम का खेती कर सकते हैं, मिल्की मशरूम। जी, अभी आप बोलेंगे तो हम ला करके आपको दिखाएंगे। मिल्की मशरूम भी बहुत अच्छा है और ये हाई टेम्परेचर में ही होगा, इसको आप जो है से एक मिल्की मशरूम ही है जिसको आप एसी में नहीं कर सकते हैं, बस ये जहाँ हाई टेम्परेचर रहेगा वहीं पर रहेगा। जैसे हमारे यहाँ भी ये सितंबर तक लास्ट फ्रूटिंग होगा। अच्छा। और सितंबर के बाद में नहीं हो पाएगा, इसके लिए लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। जैसे टेम्परेचर डाउन होगा इसका फ्रूटिंग नहीं हो पाएगा, फलन नहीं होगा। जी। और सर एक और व्यूवर है, उनका नाम है अंधजीत, तो अंधजीत कहते हैं कि उनको मशरूम की ट्रेनिंग लेनी है, तो कहाँ से लें? देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम ही से लें, लेकिन ये परंपरागत खेती नहीं है, पुनः मैं कह रहा हूँ, इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड आदमी के अंदर में अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं भी कृषि विज्ञान केंद्र, आप जिस भी राज्य में है सब जगह कृषि विज्ञान केंद्र है, भारत सरकार का, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का भी है, वहाँ आप जाएं और वहाँ जा करके आप रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि और आप ट्रेनिंग ले लें, ठीक है? नहीं तो हीट एंड ट्रायल किसान हमारे करते हैं, अगर एक बार अगर फ्रूटिंग नहीं हो पाता है, किसी कारण से नहीं फलता है, तो वो लोग बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं कि अभी हम क्या करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ चीज़ हम उनको लिखाना चाहेंगे कि वो क्या क्या जो है सो। हेलो, जी सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ, उनके लिए जो हम प्राथमिक चीज है उनको हम बोलेंगे, सबसे पहले जब भी आप फॉर्मलिन के साथ काम करने जा रहे हैं आप ग्लोव्स का यूज जरूर करें और गोगल्स का यूज भी जरूर करें, क्योंकि
गॉगल्स मीन्स नॉर्मल चश्मा नहीं जो हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, गॉगल्स लगा रहेगा। फॉर्मलिन की प्रकृति है कि वो उड़ता है। जितने अच्छा। भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जितने भी, अगर हमारा घर बहुत ही साफ है, सबका घर क्लीन रहता है, लेकिन ऑपरेशन किया हुआ व्यक्ति को अगर आप घर के अंदर लाते हैं विद इन वन डे और टू डे तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर आपको बैक्टीरिया उपलब्ध है, बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो ऑपरेशन रहता है उस पार्ट को डैमेज करने लगते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए आपको फॉर्मलिन का यूज करना, कितना करना है, कैसे करना है, हम इसको बता देंगे। और उनको क्या चाहिए, ये आपको ने मैंने ग्लोव्स लिखाया, दूसरा उनको एक गॉगल चश्मा कर दिया और एक स्प्रेयर, कोई भी नॉर्मल जो 100 रुपये में स्प्रे गन्स मिलते हैं तो कोई अच्छा। पानी का छिड़काव करने के लिए एक मैंने बताया है, कोई भी 200-300 रुपये में एक ह्यूमिडिटी मीटर आता है वो लेना पड़ेगा। ये बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट का टेम्परेचर देखिए, क्योंकि इसमें नीडल्स रखता है और एक प्रॉपर टेम्परेचर के बाद में ही उसमें माइसेलियम रन होता है जो भी ये कुछ ऐसे ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मशरूम की खेती जो कर रहे हैं उनमें उनको ये लाभ पहुंचाएंगे। हाँ ओके और ये बहुत ही सस्ते हैं। ये सारा इंस्ट्रूमेंट आप 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये में आप कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। एजेंट के लिए अवेलेबल है। अगर किसी फार्मर को आपके साथ जुड़ना है तो वो फार्मर आपसे किस तरह से कॉन्टेक्ट कर सकता है? 0612295018 ऑफिस लैंडलाइन नंबर हुआ, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9701094181। जी तो सर जाते जाते फार्मर्स को जो मशरूम की खेती से जुड़ना चाहते हैं उनको लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए हम यही सलाह देना चाहेंगे, आप कोशिश करें, अगर किसी तरह की असुविधा होगी तो हम उसमें आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और आस्टर मशरूम की खेती के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है। जो भी परेशानी होती है वो थोड़ा गर्म के टाइम में ज़्यादा होती है, ठंड के टाइम में एक नोविस यूडर भी जितना मैं बताया हूँ उससे आप आराम से कर सकते हैं। उस दरमियान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो डायरेक्ट हमसे संपर्क करें और आपको विद इन 30 डेज आपके यहाँ फ्रूटिंग होगा, 100% फ्रूटिंग होगा। जी। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।